आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने व्हेन आई से मुसलमान इट डज नॉट मीन इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को तीन हिस्सों में बांटा है, एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। जय सियाराम, हरिओम। गांधी बाबा से लेके नेहरू से लेके मोदी तक का जो फ्रॉड है, जो हिंदुओं के प्रति जो नफरत है, वो एक जैसी है। मैं वो बताने के लिए आया हूँ। मैंने टाइटल जो सोचे हुए थे, गांधी बाबा का फ्रॉड या प्रेम, महात्मा से 56 इंच तक का फ्रॉड, स्वामी श्रद्धानंद से आसाराम बापू तक, गांधी से मोदी तक का फ्रॉड, ये सब टाइटल सोचे हुए थे कि भारत में हिंदुओं की दुर्दशा में मोदी नीति। मुद्दा सिर्फ यही है कि बंटवारे के बाद, आज़ादी के बाद, आज़ादी कैसी थी, वो तो बंटवारा था बेसिकली, आज़ादी तो थी नहीं, तो उसके बाद भी हिंदू मुसलमान के नाम पे जो बंटवारा हुआ, तो ये भारत हिंदू देश इसीलिए नहीं बना कि इसके केंद्र में, बंटवारे के केंद्र में थे गांधी, जिन्ना ने तो अपना पाकिस्तान ले लिया। और गांधी तो नफरती थे भयानक रूप से हिंदुओं के प्रति, और बाद में नेहरू जो थे उनको भी लगता था कि हर उस मौके पे जहां हिंदू सब्जेक्ट हो उसे दंडित होना चाहिए, होना ही चाहिए, उसके आचार को, विचार को, संस्कार को होना चाहिए। गांधी जी की भी तो यही थी। हम तो कई बार बता चुके हैं कि वो राजपाल महाशय की हत्या इसीलिए हुई कि उनके प्रकाशन से रंगीला रसूल जो है वो छप गया था, तो किसी का ध्यान नहीं गया था, तो गांधी जी ने अपनी पत्रिका में आर्टिकल लिखा कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है, गुलाम देश था ना, तो मुसलमानों को खुद ही कुछ करना चाहिए था, तो उनकी हत्या हो गई थी और वो गाजी कहलाया था। फिर मैंने भी बताया, फिर एक बार बता देता हूँ कि अब्दुल मियाँ स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दिए थे। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसीलिए करी कि वो घर वापसी करा दिया था, उन्होंने लोगों को कराने लग गए थे, हिंदू संत थे, आर्य समाजी थे, तो अब्दुल रशीद मियाँ को गांधी जी ने कहा था कि ये मेरा भाई है, और हिंदुओं से कहा था भाई चिंता ना कर, उन्होंने उसकी भावना आहत कर दी थी स्वामी श्रद्धानंद जी ने, या फिर अब्दुल की भावना आहत हो गई थी इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। अब ये गांधी जी जो है बिरला मंदिर में आके कुरान पढ़ने लग गए थे, तो लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद किया था कि भाई ऐसा करो गीता पाठ कर लो किसी मस्जिद में जाके, तो वहाँ राष्ट्रपिता हो गए थे, तब तक महात्मा गांधी हो गए थे। आज़ादी के बाद ही घटना, पुलिस बुला लिए, वहाँ से लोगों को जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उनको गिरफ्तार करा दिया, बताइए। और फिर लंबी कहानी है गांधी जी की, तो उसी वही जो लीगेसी थी, वही जो उत्तराधिकारी थी, मिला नेहरू को। अब नेहरू ने तो, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो मामूली आदमी थे नहीं, अब राष्ट्रपति बनाए गए, ये सोचिए बड़ा पद होता है, तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में चले गए, उसको बनवाया, वो बनवाया इसीलिए कि लौह पुरुष थे, नहीं तो नेहरू ने बनने नहीं देना था। मृत्यु पर्यंत तक उनको झेलना पड़ा सोमनाथ मंदिर में जाना। ठीक, अब आते हैं अपने मोदी जी पे। मोदी जी जब सत्ता की लड़ाई में थे तो हिंदुत्व के कितने मोटे प्रखर चेहरा थे, ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से दिखाता हूँ, हमारे चैनल पे जो वीडियो उसमें भी है कि राजीव सरदेसाई जैसे क्या कहते हैं नोटोरियस, मतलब हिंदू हेटर्स, हिंदू सनातनी हेटर पत्रकार को वो किस मजबूती से बता रहे हैं कि भैया सुनो दारुल इस्लाम क्या होता है, दारुल हरब क्या होता है, दारुल अमन क्या होता है, बता रहे हैं। अब सुनिए कि मोदी किस हद तक हिंदू चेहरा लेके आए थे और आज क्या हो गए, पहले ये सुनिए। आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने बनाई से मुसलमान डज नॉट मीन इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को तीन हिस्सों में बांटा, एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। देन दारुल हरब लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। ओके, दारुल इस्लाम
पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना, ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट those who are belong to the Islam, he they must are doing this activity. Unless we can't understand. दारुस्सलाम वो होता है जहाँ इस्लामी हुकूमत हो, दारुल अमन वो होता है जहाँ इस्लामी हुकूमत ना हो लेकिन मुसलमानों को अपने दिन पे अमल करने की इजाजत है, जैसे हिंदुस्तान है दारुल अमन है। इसी तरह दारुल हर्ब वो होता है जहाँ मुसलमानों की काफिरों से जंग चल रही हो, जैसे कि फलस्तीन का मामला ले सकते हैं। सुन लिया ना, ये थे मोदी। मोदी अब ये भी नाटक था, ये भी उनकी धूर्तता थी कि वो इस्लाम को इतनी गहराई से समझते हुए भी आज इतना तृप्तिकरण में लग गए हैं तो समझ नहीं आती अब कब किस पे भरोसा करें, कब वो टूट जाए। मुख्यमंत्री जब थे ना, बनाए गए ना वो गुजरात के, तो बड़े खुल के इंटरव्यू में कहा कि भैया मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। लोगों ने कहा मुसलमानों के लिए क्या करोगे? नहीं करता भाई मुसलमानों के लिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, मैं वहाँ गुजरात की 6 करोड़ आबादी के लिए करता हूँ, जैसे आज कर रहे हैं कि हम देश की 135 करोड़ जनता के लिए करते हैं। यही मोदी हैं जो अब कहते हैं कि हमारी 300 योजनाएं मुसलमानों को समर्पित है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना 14% मुसलमान हैं उनको 40% को दे दिया, हमने मुद्रा योजना इतने प्रतिशत को दे दिया। ये सब तो और हैं जो संत शिरोमणि आसाराम बापू के चरणों में लौटते थे, उनके गीत गाते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे, उनसे एक सात्विक व्यवहार और आचरण सीखते थे, उनको दो दो लाइफ टाइम का आजीवन कारावास मिला हुआ है इसी मोदी की सत्ता में, इसी मोदी के राज से। समझ रहे हैं ना? अब आप कहेंगे कि भैया उन्होंने अपराध किया तो किया, तो भैया कानून है देश की, उसे मोदी क्या कर लेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अभी केरला स्टोरी पे भी तो दिया है ना, जिक्र किया है ना केरला स्टोरी की, कि एक ऐसा आतंकवाद है जिसमें बम की आवाज़ नहीं आती। ये नहीं कहा कि इसमें धर्मांतरण है, ये जिहाद है, इसको रोकना चाहिए। वही तो कर रहे थे ना संत शिरोमणि आसाराम बापू, इसी जिहाद को तो बता रहे थे ना। बोल नहीं सके, बोलेंगे तो फंसेंगे, तृप्तिकरण कम हो जाएगी, मुसलमान उनसे नाराज़ हो जाएंगे। अरे मुसलमान के वोट से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, मुसलमानों के वोट से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुसलमानों के वोट से कांग्रेस की सत्ता बनी है कर्नाटक में, और ये बुरी तरीके से हारे हैं जबकि इनकी सरकार वहाँ थी। तो ये जो फ्रॉड है, ये जो फ्रॉड है गांधी से लेकर मोदी तक का, उसको समझ भी नहीं सकते हम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये फ्रॉड है। श्री लक्ष्मणाचार्य संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा श्री नमः रामायणम, उसका एक भजन है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र ग्रीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। श्री नमः रामायणम का जो ये भजन है जिसमें गांधी ने मिलावट की, जहर फैलाया और उसका नाम तक नहीं लिया, क्या गांधी को पता नहीं था कि उन्होंने अल्लाह और ईश्वर को जो एक किया है हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे, जो अल्लाह के मानने वाले ईश्वर को नहीं मानते, तरजीह नहीं देते, सम्मान नहीं देते, बराबर नहीं मानते। यहाँ तक तो ठीक था, अल्लाह को मानने वाले ईश्वर के मानने वालों को काफिर मुशरिक मानते हैं, वाजिब कत्ल मानते हैं, क्या गांधी को ये मालूम नहीं था? फिर गांधी ने ऐसा क्यों किया, क्या सोच के किया, क्या हासिल करना चाहते थे गांधी? ये गांधी को जब गोली लगी ना तो उन्होंने कहा हे राम, ऐसा उनकी समाधि पे भी लिखा हुआ है। मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है। जब गोली लगी होगी तो चिल्लाए होंगे अरे बाप रे किसने मार दिया, लोगों ने कह दिया हे राम, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, हिंदुओं का दोहन करने वाले है ना, वो गांधीयन है, वो गांधी समाजवाद है, गांधी जी ऐसा चाहते थे, गांधी जी ऐसा चाहते थे, तो गांधी जी तो हिंदुओं का सर्वनाश चाहते थे, गांधी जी ने तो देश बांट दिए थे, गांधी जी ने तो इसको बड़ा सा इस्लामिक देश बनाने के लिए मतलब प्रण कर लिया था,
गांधी जी तो वो क्या कहते हैं कि भारत के बीच से उसके सीने से चीड़ के पाकिस्तान से लेकर के भारत तक हाईवे बनाने के लिए अनशन करने वाले थे। तो मोदी जी अभी कर लो, अभी पाकिस्तान बड़ा ही दर्द में, पता सुना है कि 250 टन क्या अनाज भिजवा रहे हो। तो आप विश्व स्तर पे जो नेता बने हुए हैं, क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए आपके, आप बहुत अच्छे हैं, आप विकास के राष्ट्र पुरुष हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या हैं, सनातनी के लिए क्या हैं? ये सनातनियों का देश, ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, जो है जो बंटवारे के बाद से है, जो गांधी से लेकर के मोदी तक चला गया है, फ्रॉड का शिकार हुआ है, इसको कम से कम हिंदू तो समझ ले। यहाँ दारुल हड़प तो चल ही रहा है, दारुल इस्लाम बनाना है। मोदी जी की पहली बैठक आपने सुनाई थी, अब मोदी जी उसके साथ खड़े हैं, ठीक। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है उसको समझना है, और उसके हिसाब से भारत प्रजातांत्रिक देश है तो निर्णय लेना है हमें करना क्या है। हमें भारत को हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति का देश बनाना है, और ऐसी सत्ता की व्यवस्था लानी है जो जिसमें सारे सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिना हो। लेकिन मोदी जी ऐसा तो कर नहीं रहे, गांधी ने ऐसा किया नहीं था, नेहरू ने ऐसा किया नहीं था, इंदिरा जी ने ऐसा किया नहीं था। इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी लगा करके 140,000 लोगों को जेल के अंदर ठूस के संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर सब जोड़ दिया था। चलिए, उम्मीद है अभी मरे नहीं हैं, अभी कुछ शंकराचार्य हैं जो उठ के खड़े हैं और जो बोलते हैं, और अभी भारत के लोग जो हिंदू सनातन समाज है वो अभी भी मंदिरों में जो शिवलिंग है वो आस्था रखता है, और आरएसएस प्रमुख भागवत की तरह मंदिरों में, हर मंदिरों में शिवलिंग क्या ढूंढना ढूंढना है। हम आज भी मानते हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी है, भारत को पुण्य भूमि मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, पितृभूमि मानते हैं, कर्म भूमि मानते हैं, और ये बना रहे इसके लिए ज़रूरी है हम एक हों, संगठित हों और बटे नहीं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र, जय सियाराम, हरिओम।